गॉडज़िला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, ये अल्फा टाइटन मॉन्स्टरवर्स का एक एंशियंट टाइटन है और इसके सबसे छोटे फॉर्म को हम लोगों ने मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स में देखा है जो 1954 की टाइमलाइन में बेस्ड है। अभी इस टाइम पे वो अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन ये वही टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट के आर्मी बिकिनी एटॉल में 67 न्यूक्लियर टेस्ट को रन करते हैं और इस मिशन का नाम होता है कैसल ब्रावो। और इनमें से एक बॉम्ब को तो गॉडज़िला के सामने ही ब्लास्ट किया जाता है, लेकिन इधर पे हम लोग को गॉडज़िला का एक बहुत ही क्लोज लुक है, जैसे कि ये स्पाइकी रॉक लाइक डोर्सल ब्लेड्स और उसका राउंड बल्कि बिल्ड बॉडी स्ट्रक्चर जो सैन फ्रांसिस्को के म्यूटोस को डिफीट करने के लिए खुद का सिग्नेचर वेपन एटॉमिक ब्रेथ का यूज करता है। और फिर एक म्यूटो का सर बॉडी से अलग करने के बाद वो फिर से समंदर के अंदर चला जाता है और उसके रेस्ट का मतलब होता है इवॉल्व होना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो लौटता है तब वो एक म्यूटो प्राइम को अपने न्यूक्लियर पल्स से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो अपने डोर्सल ब्लेड्स को फिर से रीग्रो करता है और फिर उसका अपीयरेंस होता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर में फुली चार्ज्ड और फिर गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग। और यहीं पे हम लोगों के सामने आता है मॉन्स्टरवर्स के गॉडज़िला का सबसे पावरफुल वर्जन। वो इधर पे थर्मो न्यूक्लियर पल्स छोड़ सकता था जिसने किंग गिडोरा के एग्जिस्टेंस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। और गॉडज़िला एक्स कॉन्ग के ट्रेलर को देख कर लगता है कि गॉडज़िला ने फिर से खुद को इवॉल्व कर लिया है और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये गॉडज़िला का अब तक का सबसे पावरफुल फॉर्म होने वाला है। गॉडज़िला के लिए ये अपडेट्स बहुत ही जरूरी थे क्योंकि अभी के टाइम पे उसके सामने है हॉलो अर्थ का टेरर स्कार किंग और हॉलो अर्थ का सबसे एंशियंट और प्रोबेबली मोस्ट पावरफुल टाइटन शीमो। और शायद इसी रीजन से गॉडज़िला का ये फॉर्म सबसे बैडेस्ट और सबसे पावरफुल होने वाला है जिसे शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखा है। गॉडज़िला का अपीयरेंस पहले से भी ज्यादा जाइगेंटिक होने वाला है और भी ज्यादा मैस्कुलर और भी शार्प और रेडिएटेड डोर्सल ब्लेड्स जो इतना ज्यादा गुस्से में है जिसे देख कर लगता है कि उसके वेन्स में बह रहे हैं सुपरहीटेड रेडिएशन का स्टेरॉयड। हम लोगों ने ऑलरेडी उसके नए एटॉमिक ब्रेथ को देखा है, लेकिन उसके पास और कौन कौन से पावर्स होने वाले हैं? तो गॉडज़िला का आर्मर अभी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को एब्सॉर्ब कर सकता है। कॉन्ग और मेगा गॉडज़िला से फाइट करने के बाद अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना जरूरी हो गया था। गॉडज़िला का डोर्सल ब्लेड्स पहले से ज्यादा ह्यूज और शार्प है। गॉडज़िला ने अपने टीथ्स को और भी ज्यादा ग्रो कर लिया है जो उसे क्लोज रेंज फाइट में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं, क्योंकि 140,000 टन का बाइट फोर्स रखने वाला ये गॉडज़िला अगर किसी भी अल्फा टाइटन को काट लेता है तो फिर गॉडज़िला के मुंह के अंदर से सिर्फ फ्लैश और बोन्स ही बाहर निकलेंगे। बाइट फोर्स के बाद गॉडज़िला के नए अटैक का नाम है द डैगर अटैक। गॉडज़िला ने इस तरीके से पहले भी एक म्यूटो को मारा है, लेकिन ये पहले से भी ज्यादा अपग्रेडेड है। गॉडज़िला के टेल सेक्शन के एकदम आखिर में बहुत सारे डैगर के जैसे स्पाइक्स हैं जो गॉडज़िला के रेडियो एक्टिव चार्ज से चार्ज भी होते हैं, जिसका मतलब यही है कि अगर वो अपने टेल सेक्शन को चार्ज करके स्विंग करता है तो फिर वो इनसे भी रेडियो एक्टिव पल्स छोड़ सकता है और वो अपने एनिमी को डैमेज कर सकता है। और ये शार्प स्पाइक्स अपने एनिमी टाइटन्स के फ्लैश को काट कर उनके बोन्स को भी क्रैक कर सकता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि गॉडज़िला का हाथ पहले से भी ज्यादा लॉन्ग और पम्प्ड अप हो चुके हैं जिनसे वो अपने एनिमीज को बहुत टाइम तक धो सकता है, और तो और वो इनके मदद से अपने अटैक्स को और भी ज्यादा परफेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकता है। और हम लोगों को ये भी भूलना नहीं चाहिए कि गॉडज़िला के पास पहली बार एल्बो ब्लेड्स हैं जो गॉडज़िला के रेडिएशन से चार्ज भी होता है, और गॉडज़िला इनकी मदद से अपने किसी भी ओपोनेंट के बॉडी आर्मर्स को चीर फाड़ कर रख सकता है। तो अभी के टाइम पर अपना ये इवॉल्व गॉडज़िला क्लोज रेंज फाइट के लिए गॉड लेवल अपग्रेड के साथ आया है। गॉडज़िला को देख कर लगता है कि वो पहले से ज्यादा मैस्कुलर और स्लिम है, तो शायद गॉडज़िला अपने कटिंग फेज में है, लेकिन जो भी हो स्लिम होने की वजह से वो पहले से ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है और वो पहले से भी ज्यादा एजाइल है, जिसका मतलब यही है कि वो सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक्स में ही नहीं क्लोज रेंज अटैक्स में भी अनमैच्ड बनने वाला है, और उसका ये नया बॉडी स्ट्रक्चर हॉलो अर्थ के बैटल में बहुत काम आने वाले हैं। गॉडज़िला का टेल सेक्शन पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और वो इनके मदद से अपने एनिमीज के ऊपर बहुत ही पावरफुल स्लैम अटैक कर सकता है। वैसे ये गॉडज़िला का एक बहुत ही क्लासिक अटैकिंग स्टाइल है और ये थोड़ा फनी भी है, लेकिन हम लोगों को क्या, हम लोगों को सिर्फ शीमो का बीट डाउन देखना है। गॉडज़िला के इस नए स्ट्रक्चर में जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है वो है गॉडज़िला के ये नए डोर्सल ब्लेड्स जो सुपर हीटेड गामा रेडिएशन से हमेशा ग्लो करता रहता है, और ये खुद को रीग्रो और अपने स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकता है। और जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा शार्प है तो गॉडज़िला इन्हें ब्लेड्स की तरह तो जरूर यूज करेगा, और अगर ये किसी एनिमी के अंदर घुस जाता है तो इनके डिजाइन की वजह से इन्हें निकालना तो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी इनका मेन पर्पस होने वाला है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना और गॉडज़िला के उस डिस्ट्रक्टिव एटॉमिक ब्रेथ में कन्वर्ट करना। गॉडज़िला के ये नए डोर्सल ब्लेड्स गॉडज़िला को पहले से भी ज्यादा गर्म कर सकते हैं और अपने आसपास की चीजों को भी रेडियोएक्टिव बना सकता है, जो ह्यूमंस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात
नहीं है। तो अगर आपको ये गौसिला दूर से दिखाई दे तो फिर भाग जाना, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे गौसिला ने अपने न्यूक्लियर पल्स को भी पहले से ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, और ये वही थर्मो न्यूक्लियर पल्स अटैक का रिक्रिएशन है जिसने कभी किंग गिडोरा के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया था। वैसे इस शॉट में इस अटैक का रेंज और पावर थोड़ा कम है, क्योंकि इधर पे उन आर्मी व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना ही काफी है, और इस हिसाब से गौसिला अपने थर्मो न्यूक्लियर पल्स के रेंज और पावर्स को बढ़ा सकता है। सेकंड ट्रेलर के इस शॉट में हम लोगों ने देखा है कि गौसिला शिमो के साथ फाइट के टाइम पर पूरी तरीके से पिंक कलर में ग्लो कर रहा है, जिसका मतलब यही है कि वो रेडिएशन से पूरी तरीके से लेस है, और एक आइस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो हमारा ये इवॉल्व्ड गौसिला नेचर में सबसे ज्यादा वायलेंट, ब्रूटल, हार्डन, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल किंग ऑफ द मॉन्स्टर है, जिसे हम लोग मॉन्स्टरवर्स में पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले हैं। गौसिला अभी पहले से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है, पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स को कोऑर्डिनेट कर सकता है, और पहले से भी ज्यादा पावरफुल और रेडिएटेड एटॉमिक ब्रेथ को छोड़ सकता है, और ये सब नए पावर्स उसे शिमो और स्कार किंग के सामने किंग ऑफ द मॉन्स्टर के थ्रोन के लिए उसे एक वर्दी ओपोनेंट बनाता है। तो यही है वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।